बाराबंकी में सीएमओ ने जैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने अस्पताल में हर एक जरूरी चीज को देखा और डॉक्टर से पूछताछ भी की। दरअसल जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश कुमार यादव ने जैदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र औचक निरीक्षण करने पहुंचे। सीएमओ ने सबसे पहले लेबर रूम को चेक किया, जहाँ पर सफाई की व्यवस्था में और सुधार लाने के आदेश दिए। उसके बाद दवा वितरण रूम, किचन, मरीज भर्ती, वार्ड क्षय रोग के साथ ओपीडी रजिस्टर को चेक किया। सीएमओ ने जांच पड़ताल की और बाहर से दवाएं ना लिखने के लिए मौजूद डॉक्टरों को हिदायत भी दी। इस दौरान कार्यवाहक प्रभारी अधीक्षक सुशील कुमार सरोज समेत पूरा स्टाफ मौजूद था। सीएमओ ने डॉक्टर व स्टाफ नर्स दोनों से पूछताछ की। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अवधेश कुमार यादव ने बताया कि रूटीन निरीक्षण किया गया है, अस्पताल में जो भी कमियां थी उनको दूर करने के लिए कहा गया है। अस्पताल आने वाले हर मरीजों को अच्छी सुविधा के साथ सरकारी दवाएं भी दी जाएं, इसके लिए डॉक्टरों को हिदायत दी गई है। ये तो औचक निरीक्षण करने आया था कि हमारे डॉक्टर यहाँ उपलब्ध है या नहीं, हमारा स्टाफ यहाँ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए एक रूटीन हमारा निरीक्षण था। इसमें कोई किसी पर्टिकुलर पर्पज के लिए मैं निरीक्षण करने के लिए नहीं आया था। मुझे देखना था यहाँ मरीजों को सुविधाएं मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, दवाइयाँ बाहर से तो नहीं लिखी जा रही हैं, या यहाँ दवाइयों की उपलब्धता क्या है, इन सब के बारे में जानकारी करने के लिए मैं यहाँ आया था। ये रूटीन मेरा निरीक्षण था। ओके।